सम्याज कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल्स चाउमीन। आपका चाउमीन अगर खिला खिला नहीं बनता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पानी ले रही हूँ, इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक और तेल, ताकि आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पर नूडल्स डाल रही हूँ, हमें एकदम तोड़ के नहीं डालना है, धीरे धीरे वो जब पकेगा तो अपने आप अंदर चला जाएगा। हल्का हल्का प्रेस हमें करना है, ये जब सेमी कुक हो जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है। और इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाना है ताकि नीचे चिपके नहीं। चाउमीन को दबा के दिखा रही हूँ, देखिए 90% कुक हो गया है। तो अब इसे हमें निकाल के अच्छे से धो लेना है। मैंने अच्छे से धो लिया है, उसके बाद यहाँ पे तेल डाल रही हूँ ताकि ये खिला खिला आपका चाउमीन बन सके। और तेल डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद मैंने हेवी कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 स्पून तेल डाल रही हूँ। जब तेल बहुत अच्छे तरह से गर्म हो जाएगा तो उसको अच्छी तरह से तेल को हमें फैला लेना है। चारों तरफ मैंने तेल को फैला लिया है। उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 लहसुन डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक, उसके बाद लंबे कटे हुए 1 प्याज डाल रही हूँ, और यहाँ पे शिमला मिर्च ले रही हूँ, गाजर ले रही हूँ 1, उसके बाद हरी मिर्ची 1। इसके बाद इसको डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हमें इसे अच्छे से मिलाना है। ये हमें इसको कुक नहीं करना है, ये सब्जी कच्ची ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पे पत्ता गोभी डाल रही हूँ। फिर गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस हमें 10% ही इसे कुक करना है। 1 मिनट के बाद इसे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, मैंने चाउमीन उबालते समय भी डाला था और इसमें भी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से हमारा चाउमीन में टेस्ट आ सके नमक का। उसके बाद यहाँ पे चाउमीन डाल दे रही हूँ। इसको हमें उठा उठा के मिक्स करना है वरना टूट जाएगा। अब इसके अंदर हमें ब्लैक पेपर जाएगा ताकि थोड़ा सा टेस्ट बढ़ सके, 1/4 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून में सोया सॉस डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून यहाँ पे टमेटो सॉस और 2 टेबल स्पून यहाँ पे रेड चिली सॉस डाल रही हूँ और यहाँ पे विनेगर 2 स्पून। अब इसके अंदर जाएगा सेजवान चटनी, इससे क्या होगा कि चाउमीन का टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे 1 स्पून डाल रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट इसको डालेंगे तो आपका जो चाउमीन है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब उसके बाद हमें 2 चम्मच बड़े वाले लेने हैं, उसको मिक्स कर लेना है ताकि टूटे नहीं हमारा चाउमीन, और उठा उठा के हमें मिक्स करना है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना खिला खिला बना है हमारा चाउमीन। अब इसको मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ। अगर आप लोगों को चाउमीन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।